और अंपायर कैसे रहा वाइट, काफी अच्छी अंपायरिंग करते हुए हमारे बीच में हितेन। और यहाँ पे काफी अच्छा शॉट खेला है, हल्की सी मिस फील, रनआउट का चांस और काफी अच्छा थ्रो। इसी दो रन के साथ स्कोर पहुंचा है 8 रन, काफी अच्छी शुरुआत मानी जाएगी बल्लेबाजी करने वाली टीम जय बजरंग बली की ओर से। एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 9 रन। इस पहली ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज खुद कप्तान किरित, और यहां पे हवा में गेंद निकला होगा, आसा सा कैच लपका। राकेश प्रभु अपील जरूर की थी लेकिन कोई प्रभाव नहीं। अंपायर कैसे रहा वाइट, अंपायर क्या लाजवाब अंपायरिंग कर रहे जयेश और हितेन। और यहां पे फुलटस गेंद डिक्लेयर जोन में पहुंचाया गेंद को सीधा 2 रन के लिए, हालांकि कुछ अलग लगता है सीधा हम लोग ज्यादातर छक्का और चौका ज्यादा देखने के लिए मिलता है लेकिन इस बार डिक्ले जोन में देखने के लिए मिल रही गेंद। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजों को मालूम है अगर आप 6 ओवर में 50 रन बना लेते तो काफी अच्छा टोटल माना जाएगा इस ग्राउंड के ऊपर। और यहाँ पे काफी अच्छी बल्लेबाजी, गैप की दिशा में खेला गया शॉट और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन, और युवराज मौजूद वहां पे, छोटे कद के खिलाड़ी युवराज जिन्होंने सुबह में काफी अच्छी कैच लपके थे। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2-2 रन से रन चुरा रहे हैं। और यहां पे फुलटस गेंद 2 रन के निकले जुर्म में, काफी अच्छी बल्लेबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाजी करने वाली टीम पवन पुत्र को, आसानी से रन बना देने नहीं चाहिए आपको दिक्कत आ सकती है रन चेस करने में, हालांकि आपके पास भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन जितने कम टोटल में रोकेगी आपको उतने ही डिफेंस करने में मजा आएगा। अभी भी चौथी गेंद लेकर पेलियन एन की ओर से गेंदबाज राकेश, और यहां पे हल्के हाथों से पुश किया फील्डर मौजूद देवांग, और यहां पे देखो गलती की है और गलती का भुगतान मिलता हुआ बल्लेबाज भावेश को।
नहीं बल्लेबाज संतोष, और यहाँ पे संतोष ने आते ही खाता खोला है एक रन के साथ। इसी एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 18 रन। काफी अच्छी शुरुआत, हालांकि 2 विकेट जरूर गवा दी है बल्लेबाजी करने वाले टीम। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, और यहाँ पे काफी अच्छा शॉट खेला, गैप की दिशा में खेला हुआ शॉट, और उतनी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग। 2 ओवर की समाप्ति में स्कोर पहुंचा है 19 रन। और यहाँ पे रन आउट होते बल्लेबाज, और सीन जहां पे रन लेंगे, यानी कि हर एक छक्के के ऊपर 300 रुपया, जितने आप छक्को मारो उतने आपको डबल पैसे मिलेंगे। और पूरी तरह से क्षमता रखते हैं, लंबे कद के हैं, सामना करेंगे जिगर का। और यहाँ पे आते हैं स्विच हिट का प्रयास, हवा में गेंद डिक्लेयर जोन में जाती है, अंपायर ही 3 टंडेल का इशारा, 2 रन। विपुल भाई को मैं बताना चाहूंगा थोड़ी सी जेब अपनी ढीली रखे, हालांकि काफी क्षमता रखते हैं। और यहाँ पे बाहर से कैश लपकते हैं पब्लिक, तो विपुल भाई की ओर से 100 रुपया है, और संदीप भाई ने भी अभी बढ़ा दिया है 100 रुपया, यानी कि पहले 50 थे तो अभी 100, यानी कि बाहर से कैश लपकते हैं तो 200 रुपया मिलेगा। छोटे लड़के के लिए, सभी के लिए है, बाहर से कोई भी लपक सकता है, बड़े भी छोटे भी। और स्विच हिट, शायद ये बल्लेबाज अक्षय माछी के पास सुबह में गए हैं, हालांकि अक्षय माछी के साथ ही घूमते हैं तो उनका प्रभाव तो दिखेगा ही बल्लेबाजी करने के ऊपर, बार बार स्विच हिट का प्रयास कर रहे हैं। और यहां पे गोइंग गोइंग गोइंग,
अगर ऋतिक हैट्रिक छक्के लगाते हैं तो अक्षय माची की ओर से 301 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और यहाँ पे हवा में गेंद और आसान सा कैच लपका, गाली मौजूद थी। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं केन, और यहाँ पे केन बल्लेबाजी करने आए। वैसे इनामों की बरसात, गौरव की ओर से हर एक छक्के के ऊपर 500 रुपया दिया जाएगा। और यहाँ पे आते ही लगा देने सब हालांकि थोड़े से फिसल गए थे। और स्ट्राइक पे आए ऋतिक, काफी इनामों की बरसात लगी है इस बल्लेबाज के ऊपर। देखते हैं भूपेंद्र रोक पाते या नहीं। और यहाँ पे हालांकि कैच ड्रॉप किया शायद विकेट कीपर दर्शा रहे हैं वीर, जहां भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए। और यहाँ पे ब्लॉक होल में गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए और काफी बाहुबली गेंद के नीचे आसानी से गेंद लपकी और आसानी से ठो दिया। तब तक एक रन से संतुष्ट करना होगा, इसी एक रन के साथ स्कोर बचा है 33 रन। हवा में गेंद, इसी एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 34 रन। काफी अच्छा ओवर घटता हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम, अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद देखते हैं। और ऋतिक ने घुमा दिया है सीधा कैमरे के ऊपर, छपरा तोड़ छक्का। तो कौन चाले कौन। कर आए राकेश लाला और अभी भी इनामों की बरसात चालू। केविन के ऊपर हर एक छक्के के ऊपर 500 रुपया। और यहाँ पे काफी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी लेकिन सही से बल्ले पे आई नहीं। और यहाँ पे काफी अच्छा शॉट खेला, गैप के दिशा में खेला गया शॉट, आसानी से दो रन चुरा लिए। इसी दो रन के साथ स्कोर पहुंचा है 42 रन। और यहाँ पे रनआउट का चांस था और स्ट्राइक पे पहुंचे हैं ऋतिक, जिन्होंने चौथी ओवर की आखिरी गेंद पे एक छक्का लगाया था। हैट्रिक का भी चांस है। देखते हैं अक्षय माची ने 301 रुपए का इनाम लगाया है हैट्रिक छक्के के ऊपर और दुर्गेश की ओर से 200 रुपया और 600 रुपया तो अपने जेब में डाल लिए हैं बल्लेबाज ऋतिक ने। विपुल माची की ओर से 300 रुपया लगाया था हर एक छक्के के ऊपर। और यहां पे गेंद, और यहाँ पे सही से बल्ले पे आई नहीं लेकिन युवराज मौजूद,
युवराज आसानी से आपको दो रन देने वाले नहीं है, काफी अच्छे फील्डर है। और यहाँ पे आगे आके हवाएं फायर करने देते लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी के चलते सिर्फ चार रन दिए इस ओवर में, यानी कि काफी अच्छा ओवर घटा है। उपेंद्र और यहाँ पे युवराज मौजूद, युवराज सुबह से लेकर युवराज ही दिख रहे हैं हमें, काफी अच्छी फील्डिंग। केवल के ऊपर अभी भी इनाम, हर एक छक्के के ऊपर 500 रुपया और यहाँ पे हवा में खेला है वन बाउंड सीमा रखे के बाद पर के खुद गिर जा रहे बल्लेबाज। इसी एक रन के साथ 50 रन पूरे किए और स्लोअर गेंद। और यहां पे हवा में गेंद, लौटना होगा रितिक। बल्लेबाज आनंद आखिरी ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे आनंद, देखते हैं कितने रन बना पाते हैं ये बल्लेबाज, क्या बड़ा हिट आ सकता है इस गेंद के ऊपर। और काफी चालाकी बड़ी गेंदबाज, वार्निंग इश्यू कर दी है गेंदबाज ने बल्लेबाज को। और हवा में गेंद, लाला मौजूद, लाला छोड़
ओवर से और यहाँ पे हल्का सा कट लगा था डिक्लेयर जोन में, प्रयास जरूर किया था विकेट कीपर संतोष भाई ने, लेकिन डिक्लेयर जोन में इसी के साथ खाता खुलता हुआ टीम का, और बल्लेबाज भूपेंद्र का भी एक रन के साथ स्ट्राइक पे आए राहुल और बाबा लंबे लंबे छक्के लगाते ये बल्लेबाज, फाइनल के मुकाबले में बल्लेबाजी करनी होगी। और यहां पे काफी अच्छा शॉट खेला और काफी अच्छी फील्डिंग, मैंने पहले ही बताया था फील्डरों को थोड़ी सी आउटफील्ड खराब होने की वजह से आप ज्यादा जोखिम ना ले, काफी नुकसान हो सकता है आपको। और यहाँ पे काफी अच्छा शॉट खेला है, ग्राउंड शॉट खेला है, लेकिन किरित मौजूद, आसानी से सिंगल के साथ संतुष्ट करना होगा, इसी एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 3 रन। एमपीएल सीजन 4 का फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है पवन पुत्र और जय बजरंग बली के बीच में, और यहाँ पे काफी अच्छा शॉट खेला, वन बाउंस सीमा रेखा और यहां पे हवा में गेंद, फील्डर मौजूद, और यहां पे काफी अच्छी फील्डिंग, एक रन से संतोष करना होगा, इसी एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है एक ओवर की समाप्ति पे 8 रन। प्रसाद तरफ से और इसी बीच राहुल बाबा के ऊपर इनाम रखा है, हर एक छक्के के ऊपर संदीप की ओर से 100 रुपये दिया जाएगा, 100 रुपीज, और 100 रुपीज का नुकसान गिर सकता था बल्लेबाज को, लेकिन डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद। वन रनों का पीछा करती हुई पवन पुत्र 11, और गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान किरित, और स्लोअर गेंदबाजी का ज्यादातर प्रयास करते हुए गेंदबाज किरित, और यहाँ पे काफी अच्छा शॉट खेला है, फील्डर मौजूद, प्रयास जरूर किया था लेकिन डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई 2 रन के लिए, इसी 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 11 रन। और यहाँ पे काफी अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा लेग वाइज, जी बिल्कुल, काफी अच्छी अंपायरिंग हितिन टंडेल के द्वारा। और यहाँ पे किरित अगर हैड्रिक विकेट लेते हैं तो बंटी की ओर से 2000 दिया जाएगा, काफी इनामों की बरसात। और यहाँ पे हवा में गेंद, हालांकि कैच का जरूर प्रयास किया था लेकिन पहुंच नहीं पाए फील्डर, आसानी से 2 रन चुरा लिए, 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, और यहां पे काफी अच्छा शॉट खेला है फील्डर गेंद के पीछे, आसानी से 1 रन से संतुष्ट करना होगा, 2 ओवर की समाप्ति में स्कोर पहुंचा है 15 रन।
तीसरी ओवर लेकर आए अर्शीद। और यहाँ पे काफी अच्छा शॉट खेला है लेकिन गीत मौजूद। और यहाँ पे बाहुबली के ऊपर इनाम रखा है संदीप के द्वारा, देखते हैं। और बाहुबली ने खेला है लेकिन बाहुबली की ताकत थोड़ी सी और बन चुके हैं 16 रन। देखते हैं खुद कप्तान है टीम की ओर से। और यहां पे आते ही काफी अच्छा शॉट खेला है और ऋतिक मौजूद थे। ये ऋतिक रोशन के पास जरूर गए थे शायद, वैसे वाली फिटनेस लेके ग्राउंड में नजर आ रहे हैं। बल्लेबाजी भी काफी अच्छी की थी और जब भी फील्डिंग का मौका मिला काफी अच्छी फील्डिंग। और यहां पे ब्लॉक होल में गेंद, बिंदी गेंद, यानी कि काफी प्रेशर इकट्ठा हुआ बल्लेबाज करने वाले टीम के ऊपर, लेकिन अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद नो स्ट्राइक के ऊपर खुद कप्तान जिगर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में एक अर्धशतक लगाया है, वही बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक के ऊपर। और यहां पे काफी अच्छा शॉट खेला है, देखना होगा डिक्लेयर जोन में 2 रन, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति में स्कोर पहुंचा है 19 रन बनाने 18 गेंदों में 18 गेंदों में मुकाबला जीतने के लिए पवन पुत्र 11 को 34 रन बनाने होंगे 34 रन। यानी कि आपको प्रति ओवर 11.5 रन की औसत से खेलना होगा अगर ये फाइनल मुकाबला अपने नाम के ऊपर करना है तो। चौथे ओवर लेकर आए लंबे कद के गेंदबाज ऋतिक और यहां पे काफी अच्छी गेंदबाजी ऋतिक, लंबे कद के गेंदबाज है। और यहां पे फुल टॉस गेंद, वाइड गेंद, यहां पे थोड़े से हड़बड़ा गए थे अंपायर, इसी चलते डिसीजन दे दिया लेकिन रिवर्सल वाइट नहीं है गेंद। और यहां पे काफी अच्छा शॉट खेला, देखना होगा डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, अंपायर 2 रन या 1 रन, 1 रन। ऋतिक सामना करेंगे बल्लेबाज जिगर, खुद कप्तान क्षमता रखते हैं पूरी बल्लेबाजी के लिए लंबे हिट लगाने में। अंपायर का इशारा वाइट रन, वाइट का इसी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा है 21 रन।
और यहाँ पे काफी अच्छी गेंदबाजी, हल्की सी टप्पा गिर के तिची रही गेंद, बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद, बाजी करते हुए ऋतिक। जिगर क्षमता रखते हुए यहाँ पे हेलीकॉप्टर जरूर उड़ाया था लेकिन सही से लैंड नहीं कर पाए, लेकिन फील्डर ने शायद मेरी आवाज सुन ली थी, आगे आ गए थे। आसानी से दो रन चुरा लिए, इसी दो रन के साथ स्कोर पहुंचा है 23 रन। अभी भी आखिरी गेंद का खेल आना शेष बाकी, चौथी ओवर प्रगति के ऊपर ऋतु। और यहां पे काफी अच्छी गेंदबाजी, ये वही बल्लेबाज है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अर्धशतक लगाया था, उसको पूरी तरह से बांध के रखा है गेंदबाजों ने, यानी कि 12 गेंदों में मुकाबला जीतने के लिए। का पीछा करती हुई, यानी कि स्कोर पहुंचा है 23 रन बनाने, 12 गेंद में 28 रन बनाने होंगे, 12 गेंद 28 रन। और यहां पे हवा में गेंद, आसान सा कैच लपका। और यहां पे हवा में गेंद, डिक्लेयर जोन में दो रन। यानी कि दो रन के साथ स्कोर पहुंचा है 25 रन। हालांकि हैट्रिक विकेट के ऊपर जरूर इनाम रखा था गेंदबाज किरित के ऊपर, लेकिन अभी भी चांस है, काफी अच्छा शॉट खेला और उतनी अच्छी फील्डिंग, पैर से गेंद रोकी और आसानी से दो रन चुरा लिए, दो रन के साथ स्कोर पहुंचा 27 रन, यानी कि मुकाबला जीतने के लिए 9 गेंदों में खेला। और स्लोवर गेंद देखना होगा, कैच लपका है और यहां पे बाहर से कैच लपक। और यहां पे काफी अच्छी गेंद, आउट होते हैं बल्लेबाज। सकता है और अभी भी क्रिस के ऊपर मौजूद जिगर, लेकिन बांध के रखा है बल्लेबाज को, जिगर को, खुद कप्तान है और नए बल्लेबाज आए देवा। इस गेंद के ऊपर
पवन पुत्रा की टीम को आशा होगी कि कुछ बड़ा हिट मिल जाए इस गेंद के ऊपर, देखना होगा। और यहाँ पे आसान सा कैच लपका। चमाती हुई ट्रॉफी वाइड गेंद, यानी कि मैच में ट्विस्ट आता हुआ। छह गेंद 17 रन, काफी रोमांचक मुकाबला अभी भी क्रिस के ऊपर मौजूद। जिगर और यहां पे देखना होगा 6 रन। ये वही बल्लेबाज थे जिनको काफी संघर्ष करना पड़ा इस फाइनल मुकाबले में, लेकिन अंतिम में काफी अच्छी बल्लेबाजी, एक छक्का जरूर लगाया है। 5 गेंदों में मुकाबला जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता है। इसी बीच 5 गेंद 11 रन और ऋतिक देखते हैं रोक पाते या नहीं बल्लेबाज को। और यहां पे हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, लेकिन देखना होगा। आसानी से 2 रन पूरे किए, यानी कि 4 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है। 4 गेंद 9 रनों की आवश्यकता है, एक विकेट चाहिए गेंदबाजी करने वाली टीम को और बल्लेबाजी करने वाली टीम को एक बड़ा हिट चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। काफी रोमांचक मुकाबला। और यहां पे हुआ गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, हालांकि मैच में जरूर ट्विस्ट आया था। संतोष भाई शायद अगर पीछे रहते तो अगर विकेट जा सकता था, मिल सकता था गेंदबाज को, लेकिन क्लोज कीपिंग के चलते डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, यानी कि 3 गेंद 8 रनों की आवश्यकता है। हाई वोल्टेज मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है सभी दर्शकों को। और यहां पे काफी अच्छी गेंदबाजी, ब्लॉक होल में की हुई गेंद, यानी कि 2 गेंद 8 रन।
दो गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है। कंपल्सरी चेस मुकाबला रहेगा, यानी कि इस गेंद निर्णय करेगी। देखते हैं, और यहाँ पे बिंदी गेंद, एक गेंद 8 रन, यहाँ पे कुछ चमत्कार ही बचा सकता है अगर बल्लेबाजी करने वाली टीम को अतिरिक्त गेंद या कुछ गेंदबाज नो बॉल करते हैं तो मुकाबले में बने रहेंगे, अन्यथा इस टूर्नामेंट का फाइनल का मुकाबला देखते हैं। एक गेंद 8 रन, और इसी बीच मुकाबला जीत लिया है जय बजरंगी 11 ने, फाइनल का मुकाबला आसानी से जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन जय बजरंग बली 11, हार्ड लक पवन पुत्र 11, आपने भी काफी अच्छा क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट में।